नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम बीके न्यूज चैनल सच का साथ। खबर बागरमऊ उन्नाव से आ रही है। बकरा ईद कावड़ यात्रा को देखते हुए बागरमऊ के डीएम बागरमऊ दिनेश कुमार, क्षेत्राधिकारी बागरमऊ आशुतोष के द्वारा ही यहां पर संयुक्त रूप से की गई एक पीस कमेटी की बैठक। देखिए माय रिपोर्ट। आगामी 21 जुलाई को बकरीद, कावड़ यात्रा और अन्य त्योहारों के मद्देनजर आज कोतवाली बागरमऊ में एसडीएम बागरमऊ दिनेश कुमार, क्षेत्राधिकारी बागरमऊ आशुतोष के द्वारा संयुक्त रूप से एक बैठक की गई, जिसमें क्षेत्र और नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति, ग्राम प्रधान और संभ्रांत नागरिक उपस्थित रहे। पीस कमेटी की इस बैठक में सभी ने कोविड-19 नियमावली का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाने की अपील की। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी बागरमऊ ने कहा कि बकरीद पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी बिल्कुल ना की जाए। बताइए, अन्य की आलोचना न करिए। जैसे अपने धर्म का सम्मान करते हैं, उसे अन्य धर्मों का भी सम्मान कीजिए। ये वो मुल्क है जहाँ इलाहाबाद में पत्थरचक्की में जब रामलीला होता था, उस समय का बादशाह सीता को कंधा देने आता था। बहुत पहले की बात मैं बताने अतीत की बात नहीं बताऊंगा। आजादी का आंदोलन का दौर चल रहा था, काकोरी कांड में अशफाकुल्ला और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई जाती है। आखिरी रात थी, राम प्रसाद बिस्मिल अपने कोठरी में राम राम कह रहे थे। जेलर कहता है कि तुम तो इस्लाम के अनुयायी हो, तुम तो मुसलमान हो, तुम क्यों राम कह रहे हो? तो कहते हैं कि मैं उस राम को नहीं, मैं अपने मित्र राम प्रसाद बिस्मिल को याद कर रहा हूँ। यो मुल्क है। आप अपने बच्चों को बताइए कि बहुत भारी की बात नहीं है। अभी 2020 में दिल्ली में चांदनी चौक में एक बिल्डिंग में आग लग जाती है। बहुत सारे लोग वहां पे छोटा मोटा व्यवसाय करते थे, फंस जाते हैं। उनको लगता है कि हम नहीं बच पाएंगे। बिजनौर का इरफान नाम का व्यक्ति, वो अन्य को फोन नहीं करता। जब उसे लगता है कि शायद मैं नहीं बच पाऊंगा, तो अपने दोस्त रमेश को फोन करता है कि भाई हो सकता है कि मैं न बच पाऊं। मेरे बाद अगर मैं न बच पाऊंगा तो मम्मी का ध्यान रखना, बहन की शादी करने की जिम्मेदारी आपकी है। अभी शायद कुछ समय पहले की बात, मैं देखा यहीं पे कि कोई व्यक्ति कोरोना से मर गया, तो 20-25 किलोमीटर, उसका मैं नाम एग्जैक्ट नहीं याद कर पा रहा हूँ, समथिंग सोनू या सुरेश गुस्सा होगा, उसका करीब 25 किलोमीटर दूर का दोस्त, कोई समथिंग नाम था, सलीम था, वो आकर के उसका अंतिम संस्कार किया। हमारी ये तहजीबी है, हमारी ये चीजें हैं। अगर हमारे पूर्वजों ने हमको विरासत में ये चीजें दी हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस विरासत को आगे बढ़ाएं, सबको बताएं कि हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं कि कोई आके एक शब्द बोल दे तो हम कहें नहीं ऐसा ही बोल रहा है। देखिए, अपराधी चाहे जो हो, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसका सब लोग विरोध किए, उसका कोई मजहब या कोई धर्म नहीं होता है। अक्सर मैं देखता हूँ तमाम लोग व्यक्तिगत हितों को लेकर के मेरे पास फोन आएंगे कि साहब फला तो हिंदू है, फला तो मुसलमान है, इसको ऐसा कर दीजिए। मैं कहता हूँ मान्यवर, आप बताइए को दो व्यक्ति है, वो दो व्यक्ति हो सकता है सलीम और संतोष हो सकते हैं, ये बताइए। वो दो व्यक्तियों के मामलों को सामुदायिक रूप मत दीजिए। ये क्यों हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ये जिम्मेदारी आपकी भी है। अगर हम कानूनी रूप से बाध्य हैं, हम संवैधानिक रूप से बाध्य हैं, इसके लिए आप नैतिक और सामाजिक रूप से बाध्य हैं। अच्छा लगता है, एक संदेश जाता है, नहीं हमारा यहाँ कोई धर्म मधर्म नहीं है, हमारा धर्म केवल मानव धर्म है, और हमारा ये है कि हम एक दूसरे के सुख और दुख में, एक दूसरे के त्योहार में, एक दूसरे के साथ हैं और हमेशा रहें। ये चीज हमारे आपके बीच होनी चाहिए, यही चीज हम अपने आने वाली पीढ़ियों को दें, अपने बच्चों को दें, ताकि एक शांति मौके पर बनी रहे और शांति का संदेश हमेशा हमारे देश को डेवलपमेंट के रूप में आगे बढ़ाता है। जितनी शांति होगी उतने अच्छा हमारा प्रदेश, हमारा देश अपने डेवलपमेंट के ओर आगे बढ़ेगा। ये भी पुनः मैं कहता हूँ कि हम लोग जो सेवा है, बहुत लोग हमारे गांव के लोग डरते हैं सीओ साहब के पास या थाने में या मेरे पास आने से, डरते हैं, नहीं डरना चाहते, अपनी बात कहनी चाहिए, अपनी समस्या आकर कहनी चाहिए, उसका हल कुछ ना कुछ निकलेगा ही निकलेगा, चाहे जो कुछ निकले। लेकिन अगर वो बात आप तक, मेरे तक नहीं पहुंचाओगे आप, तो उसका हल कहां से निकलेगा? कुछ तो आप सोचेंगे, ये हल हमें करना है और हमें ये समाज के लिए, अपने लिए, अपने लोगों के लिए ये हल हमें निकालने पड़ेंगे, चाहे जो भी हल हो सकता है। बाकी से हम आपको बुलाएं, इनको बुलाएं।